हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। देखिए, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी बताया था और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में जिसका लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको 2025 तक एक अच्छा बेनिफिट चाहिए स्टॉक मार्केट से तो इस वीडियो को जरूर देखिए, स्किप प्लीज मत करिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टॉक है उस स्टॉक के बारे में जानते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है और इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका काम काज चल रहा है। वर्ल्ड बेस्ड पार्टनर है इसके पास, एक दो नहीं बहुत ज्यादा पार्टनर है, तो दिखाऊंगा आगे चल के। AI सेक्टर का स्टॉक है, यानी कि बेस्ट AI स्टॉक आप बोल सकते हैं अभी तक का। और भी बहुत सारा ऐसे ये AI स्टॉक है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए 2025-26 में एक अच्छा बूम साइन देखने को मिलेगा, बहुत कम प्राइस में लेकिन अभी मिल रहा है स्टॉक। देखिए, कंपनी का कामकाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी करता क्या है। बेसिकली ये जो है एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके मार्केट, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट, डिजिटल सर्विस मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विस, इस तरह का जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये कंपनी का कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, कुछ प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है केल्ट्रॉन फॉर मीडिया, KL गेम्स, ओके ऑप्टिमा, इस तरह का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये क्लियर हो गया। और ये जो सर्विस है ये इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं, इंडिया में नहीं। और फ्यूचर में जो इसी तरह का सर्विस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। डाटा साइंस का अगर आपने नाम सुना है तो इस तरह का काम भी ये करता है, और खास करके AI सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका जो काम काज है, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग से लेके यहाँ पर जो है एक एक डिटेल्स में बारीकी से बताया गया है सर्विस किस तरह का सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजी नेक्स्ट, डाटा इंजीनियरिंग जो मैं क्या आता है, एंड AI। ठीक है, तो इस तरह का जो है यहाँ पर कंपनी काम काज करते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छा चीज है कि डिजी नेक्स्ट जहाँ पर है वहां पर ब्लॉक चेन का भी बात किया गया। आपको अगर पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो यहाँ पर ब्लॉक चेन का भी काम काज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम काज करते हैं, क्लाउड ले लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले लीजिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केट, इस तरह का इसका कामकाज है। अब इसका कुछ इंडस्ट्री है जहां पर ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे इसका इंडस्ट्री इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, एडुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स, केमिकल इंडस्ट्री में, एनर्जी सेक्टर में, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, वेल एंड गैस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस। तो इस तरह का पूरा जो इंडस्ट्री है ये पूरा इंडस्ट्री को पकड़ के रखा है और इसका सर्विस लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। अब अगर इंटरनेशनल का बात करें तो इंटरनेशनल में भी इसका सर्विस बहुत ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ पर इसका जो बैकअप है, जो बैकअप देखने को मिला हम लोग को, वो 79% यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ट्रांसफर से मिल रहा है और इंटरप्राइज सोल्यूशन से 15% यानी कि 15% एंड कंसल्टेशन से 6% का जो है सर्विस देखने को मिल रहा है यहाँ पर रेवेन्यू का। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था इसका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, बहुत दिग्गज कस्टमर है और एक दो नहीं बहुत बड़ा क्लाइंट कस्टमर इसका है, कोका कोला के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, उसके साथ साथ एप्पल जैसा ब्रांड में ये अपना कामकाज कर रहा है। और इसका बेसिकली काम ऐसा है कि इस तरह का कंपनी के साथ इस तरह से काम कर रहा है कि अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल में कुछ दिक्कत आ रहा है तो उस बिजनेस मॉडल को सही से जो है प्रोवाइड करना और उसको एक बेटर वे में ले जाना इसका बेसिकली काम है। और एक दो नहीं KFC, नाइकी, पेटीएम, इस तरह का बड़ा दिग्गज ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक कस्टमर है इसका। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेस्ला, ये बहुत बड़ा एक ब्रांड है और टेस्ला भी यहाँ पर है। तो नो डाउट ये लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अपना बूम काम हो रहा है इसका, लेकिन इंडिया में इसका परफॉर्मेंस अभी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस स्टॉक में। अब देखिए, अगर इंडिया का पार्टनर्स का बात करें तो कुछ इस तरह का पार्टनर है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। IBM डील हो गया, ऑटोमेटिक एनीवेयर ये है, इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल है,
इसका पार्टनर है। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल में इसका जो मार्केट कैप है 606 का मार्केट कैप, करेंट प्राइस 62.8 है, वन ईयर हाई 135 एंड लो जो है 46 तक देखने को मिला है। अब इसका जो स्टॉक पीए है वो 8.61 का स्टॉक पीए है, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। बुक वैल्यू 49.6 है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रहा है। अगर आरओसीई का बात करें 16.8% एंड आरओई जो है 15.7% का है, तो यहाँ पर दोनों ही जो है पॉजिटिव है। फेस वैल्यू का बात करें तो 5 जो है यहाँ पर इसका फेस वैल्यू है। अगर डेथ का बात करें 122 डेथ है कंपनी में, तो कंपनी डेथ फ्री तो नहीं, लेकिन इसके पास रिजर्व है 413 का, जो एक बहुत बड़ा साइन है रिजर्व में। आप कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। डेट टू प्रॉफिट 1.74 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 9.65 है, लेकिन इसका रिटर्न अभी उतना खास नहीं है। 6 मंथ में -38.5% का जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन का रिटर्न देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो क्वार्टर में जो है 16.3 का जो है फिगर देखने को मिला है। क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट नेगेटिव में है -13.6%, क्वार्टर एंड क्वार्टर से 2.95%। प्रॉफिट ग्रोथ का अगर बात किया जाए कंपनी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ प्रॉफिट में दोनों में जो है नेगेटिव साइन दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेल ग्रोथ का अगर बात करें तो सेल ग्रोथ 6.87 का जो है फिगर देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर जो है 7.29 है, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर साइन यह है इसका वॉल्यूम 2,14,000 का ऊपर जो है यहाँ पर वॉल्यूम है, तो नो डाउट सेल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला इन फ्यूचर में। अब करंट लेवलिटीज का अगर बात करें तो 157 के यहाँ पर करंट लेवलिटीज है, करंट एसिड 463 है, तो यहाँ पर जो इसका लेवलिटीज है उससे ज्यादा इसके पास एसिड है कंपनी का, तो एक बहुत बड़ा बैकअप साइन भी है। टोटल एसिड 672 है। तो फ्रेंड देखिए, नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, रिटर्न को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखते तो फंडामेंटल लेके अभी इसका स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करिए इस कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ का, तो देखिए 10 साल से इसने एक पॉजिटिव साइन ही दिया है एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। ओके, ये जो केल्टोन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, सबसे बड़ा बात है 26.75 रुपीज में आपको मिल रहा है आज का डेट में, और इसका ऑफर लेकिन कोई सर्विलेंस नहीं है, ना एएसएम का सर्विलेंस है ना जीएसएम का सर्विलेंस है, तो एक रिस्क जोन से हटके है। और सबसे बड़ा बात है आपको एक डिस्काउंट में मिल रहा है ये स्टॉक। अब आगे चल के और इसके बारे में जानते हैं कि और क्या क्या इसका जो है रिजल्ट है। तो देखिए, ये जो केल्टोन टेक सॉल्यूशन है ये बीएससी एनएससी दोनों में ट्रेड होता है। अब बीएससी में 63.05 का फिगर है, एनएससी में 62.75 का फिगर है, तो बीएससी में इसका फिगर हाई है, लेकिन एनएससी में 156,000 का जो है यहाँ पर वॉल्यूम है, बीएससी में 84,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस का बात करें तो डेली बेसिस पे वेरी बेरी साइन दिया है। अगर वीकली का बात करें तो वीकली में भी वेरी बेरी साइन दिया है, एंड अगर मंथली का बात करें तो मंथली में भी वेरी साइन दिया है, यानी कि कंपनी जो है आपको एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है ये कंपनी। शेयर होल्डिंग का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है सबसे ज्यादा शेयर प्रोमोटर के पास है 52.16 का, एंड पब्लिक के पास 47.4.46 है। अब यहाँ पर जो शेयर है प्रोमोटर के पास उसमें से 12.72 का प्लेज है, एंड बाकी जो है वो प्रोमोटर के पास है। रेवेन्यू का अगर बात करें, कंपनी का रेवेन्यू लेकिन एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ये रेवेन्यू अभी कुछ नहीं है, 2025 तक इसका जो रेवेन्यू है एक बूम साइन आपको देखने को मिलेगा इसका रेवेन्यू। अगर बात करें इसका इनकम स्टेटमेंट का, ये जो केल्टोन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है इसका जो इनकम स्टेटमेंट है ये भी पॉजिटिव में है, और थोड़ा बहुत जो है इसमें इंक्रीज साइन देखने को मिला है। अगर बात करें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट के मामले में इस कंपनी में एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिला है, एंड अगर बात करें कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो के मामले में भी यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लेकिन देखने को मिला है नेट कैश फ्लो में। अब इस कंपनी का अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं 2022 में इसका मार्च का जो नेट सेल हुआ था वो था 33.49 करोड़ का, जिसका परसेंटेज निकल कर आता है 24.72% ईयर ओवर ईयर में।
अब यहाँ पर इसका अगर फाइनेंस का बात किया जाए तो फाइनेंस में जो है यहाँ पर चार नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि 9 में से ये चार नंबर पे है, वीक है इसका फाइनेंस, फाइनेंस उतना स्ट्रांग यहाँ पर लेकिन नहीं है। ओके, अब इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझने का कोशिश करें। यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया, सबसे पहला बात है ये जो ग्रीन लाइन है यानी ये जो ब्लू लाइन है, ये दोनों के बीच में अभी ट्रेड हो रहा है। ग्रीन लाइन को ब्रेक करते तो अच्छा खासा यहाँ पर बूम देखने को मिलेगा, मिनिमम जो है वो है 89.51 तक जाएगा। लेकिन ये ब्लू का अगर नीचे आता तो ये लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 54.83। अगर इसका भी नीचे आता है तो ये ब्लैक जो लाइन है यहाँ पर 46.53, एंड इसका भी अगर नीचे आता है तो यहाँ पर जो रेड लाइन है 38.39 का, इसका अगर नीचे जाता है तो एक रिस्क जोन है। लेकिन इसके अंदर अगर रहता है तो कंपनी में लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। जब लो प्राइस में ये मिले, छोटा छोटा अमाउंट आप जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। देखिए ये लॉन्ग टाइम के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप उसी तरह से इन्वेस्ट करें जितना आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर SWOT की अगर बात करें, ये जो केल्टोन टेक सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी, इसका स्ट्रेंथ लेकिन सिर्फ दो है। ओके, वीकनेस जो है यहाँ पर सिक्स वीकनेस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज का अगर बात करें तो ओनली वन, एक अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर, कोई थ्रेट नहीं है। ये जो केल्टोन टेक सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी का मैक्स का अगर बात करें तो ये कंपनी 2016 में 107 से स्टार्ट किया था, 107.70 में स्टार्ट किया था। उसके बाद से लेकिन यहाँ पर इसको डाउन फिगर देखने को मिला है, जैसे कि देख पा रहे हैं। और इस जगह में जो है 8.80 का फिगर, 2020 में 8.807 रुपीज तक देखने को मिला था इस स्टॉक को। फिर जो है यहाँ पर अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो फिर ये था केल्टोन टेक सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आपको इसमें निवेश करना है इस स्टॉक में, तो आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, देन इसमें निवेश करें। और अगर इससे भी बेटर स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है इसको चेकआउट करें। तो फिर आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।